नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और 50% टिकटों पर उन लोगों का दावा बनेगा जिनकी उम्र 50 से कम हो। कांग्रेस के इस फैसले से कई कांग्रेसी घरानों के सामने राजनीतिक संकट आन पड़ी है। खासकर उन बड़े नेताओं की चिंता बढ़ी है जो पूर्व में अपने परिवारों के सदस्यों को टिकट दिला चुके हैं और अभी भी टिकट दिलाने की हसरत पाले हुए हैं। ऐसे परिवार झारखंड के हर प्रमंडल में हैं, जिनमें से कुछ परिवारों को सफलता भी मिल चुकी है। केंद्रीय मंत्री रह चुके सुबोध कांत सहाय ने अपने भाई को हटिया विधानसभा का टिकट दिलवाया था, लेकिन वे चुनाव नहीं जीत पाए थे। दूसरी ओर पूर्व सांसद फुरकान अंसारी न सिर्फ टिकट दिलवाने में सफल रहे बल्कि उनके पुत्र डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार 2 बार चुनाव भी जीत चुके हैं। अभी भी दोनों पिता पुत्र एक दूसरे के लिए टिकट का प्रबंध करने में जुटे रहते हैं और पार्टी में विभिन्न स्तरों पर भी इसके लिए प्रयास करते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में अंतिम वक्त में फुरकान का टिकट काटकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे झाविमो के प्रदीप यादव को टिकट दे दिया गया था। इसी प्रकार सांसद रह चुके चंद्रशेखर दुबे अपने पुत्र अजय दुबे को विधानसभा के लिए टिकट दिलाने में सफल हुए थे, लेकिन उन्हें भी जीत हासिल नहीं हो सकी। अपने बाल बच्चों, पत्नी अथवा रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए सक्रिय नेताओं का यह चिंतन शिविर झटका दे सकता है। ऐसे कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं जो अभी भी अपने बाल बच्चों के लिए जुगाड़ में लगे हुए हैं। इनमें पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का नाम आगे है और वे जल्द ही मांडर उपचुनाव में अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी अपने बेटे के लिए सक्रिय रहे हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बलमुचू भी अपनी बेटी को एक बार फिर विधानसभा का टिकट दिलवाने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी थी। इसी प्रकार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत अपनी पत्नी को राजनीति में आगे बढ़ा रहे हैं।